सब्सक्राइब करें एके श्री एजुकेशन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, भाई वो है क्या? वो है यूज ऑफ कैन। तो भाई कैन का यूज हम कहां करते हैं? तो फ्रेंड्स होता क्या है कि आप देखते हो भाई जिन वाक्यों के लास्ट में क्या लगा होता है, जिन वाक्यों के लास्ट में सकता है, सकती है या सकते हो लगा होता है, तो उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि उन वाक्यों से क्या प्रकट होना चाहिए, क्या व्यक्त होना चाहिए, या तो भाई क्या यूज हो, एबिलिटी यानी क्या व्यक्त होना चाहिए, एबिलिटी पावर या फिर जन्मजात हैबिट्स व्यक्त होना चाहिए, तभी आप कैन का यूज करिएगा, नहीं तो आप कैन का यूज मत करिएगा। अब क्या फर्क होता है भाई, इसको आप पढ़ लीजिए, नेक्स्ट वीडियोस में मैं फिर कैन की चर्चा करूंगा। तो भाई आइए हम लोग जान लिए कि कैन का यूज कहां करते हैं। भाई कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें। भाई एग्जांपल्स की बात ये है, जैसे आप कहते हो भाई कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो भाई ये एबिलिटी है ना, तो आप इसमें किसका यूज करोगे? कैन का। इसी तरीके से आप कहते हो भाई कि मैं तुम्हें मार सकता हूं, ठीक, इसमें भी आप किसका यूज करोगे? कैन का। फिर आप कहते हो भाई कि घोड़ा दौड़ सकता है, ये आदत है ना, तो आप इसके लिए भी किसका यूज करोगे? कैन का। अब बात आती है कि भाई कैन का यूज हम कैसे करेंगे, भाई क्या नियम होगा? तो नियम मैंने बिल्कुल आपके सामने बना कर रखा है। भाई अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले आप किसका यूज करोगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करोगे। किसका फ्रेंड्स? सब्जेक्ट का। अरे सब्जेक्ट बोले तो क्या, सब्जेक्ट बोले भाई ये इनमें से आप कोई ले सकते हो, ही, सी, नेम, यू, वी, दे या फिर एनीबडी, जो क्या कर्ता का काम करे वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। फिर बाद में आपको करना क्या है फ्रेंड्स, बाद में आपको कैन का यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। तो ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलिए ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। भाई कहा जाए जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, अरे फिर से सुनो, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो मैं के लिए क्या यूज करोगे? मैं के लिए आप आई यूज करोगे। मैंने इसमें नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है, आप तो आई को जानते हो, आई लिख लिया, फिर क्या यूज होगा फ्रेंड्स? ये सब्जेक्ट हो गया, फिर ये आपका कैन यूज होगा, तो आई कैन स्पीक, क्या भाई स्पीक इंग्लिश, तो ये रहा आपका ट्रांसलेशन। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स कहा जाए कि मैं तुम्हें मार सकता हूं, तो कैसे कहोगे? कहोगे कि आई कैन क्या बीट यू, तो ये रहा फ्रेंड्स आपका। इसके बाद कहा जाता है फ्रेंड्स कि घोड़ा दौड़ सकता है, भाई कैसे ट्रांसलेशन करोगे? बहुत इजी है, कैसे? हॉर्स कैन रन, भाई सब्जेक्ट कौन हो गया? हॉर्स, तो आप यहां पर हॉर्स ऐसे लिख लीजिए और फिर क्या आप कैन का यूज कर लीजिए। अब उसके बाद क्या लिखना है, रन, हॉर्स कैन रन, तो भाई इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। अरे भाई यही नहीं, बहुत सारे आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। कैसे? जैसे आप बोल सकते हो कि आई कैन रन, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं, आई कैन डांस, आई कैन सिंग ए सॉन्ग, आई कैन गो टू स्कूल, आई कैन गो टू मार्केट, भाई ढेर सारे आप आई कैन करके कोई भी वर्ड आप जोड़ सकते हो जिसको भाई आप कर सकते हो, तो उसके लिए आप वो आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने बोला तो आप कैन का यूज कर लोगे ना। अरे भाई आई नहीं, आप इसमें से कोई ले सकते हो, जैसे मैंने क्या लिया, सी ले लिया, यानी सी कैन कुक फूड, वह खाना बना सकती है, या सी कैन गो टू मार्केट, वह बाजार जा सकती है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इजी है ना, आप यू को ले सकते हो, यू कैन डू दिस, आप इसको कर सकते हो, या यू कैन गो टू टेम्पल, तुम मंदिर जा सकते हो, या फिर भाई इस तरीके से आप ढेर सारे सेंटेंसेस को कर सकते हो ट्रांसलेशन। अब कोई भी आप इसमें से ले लीजिएगा और आप बिल्कुल ट्रांसलेट करिएगा, और ट्रांसलेट करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आप फ्रेंड्स करना क्या है, ये तो आपने देख लिया, ये कौन से थे, ये अफर्मेटिव के थे, तो भाई नेगेटिव कैसे बनेगा? बिल्कुल इजी है। आप करो क्या, आप ये कैन
के जगह पर आप कैन ना यूज करके क्या यूज करोगे, कैन नॉट यूज करोगे, क्या करोगे फ्रेंड्स, कैन नॉट। तो बिल्कुल ये इजी है ना, क्या करना है, कैन नॉट का यूज करना है। अब कैसे करेंगे, जैसे कहा जाए भाई कि वी कैन नॉट फ्लाई, वी कैन नॉट फ्लाई, हम उड़ नहीं सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से क्या, इसी तरीके से कहा जाए कि मैं स्कूल नहीं जा सकता हूं, भाई आज के लिए कह दो ना मैं आज स्कूल नहीं जा सकता हूं, तो आप क्या कहोगे, आई कैन नॉट गो टू स्कूल। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हो गया, आप कोई ले सकते हो, जैसे क्या वह नहीं दौड़ सकती है तो कैसे बताओगे, सी कैन नॉट रन। तो इस तरीके से क्या आप कैन नॉट वाले एग्जाम्पल बनाओगे ना, बिल्कुल बनाइएगा, कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हो, एनी नेम टैग कर सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। हाँ फ्रेंड्स आपके मन में आ रहा भाई इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव के लिए भी आपको क्या करना है, आपको बस छोटा सा काम करना है, ये जो आपको कैन दिख रहा है ना, इस कैन को आप पहले लेकर आओ, और जब आप कैन को पहले लेकर आओगे तब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तब वो आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि इन सबसे पहले आप किसका यूज करोगे, आप इन सबसे पहले कैन का यूज करोगे। अब फ्रेंड्स यहां से आप क्या करो, फ्रेंड्स यहां से आप जो है कैन नॉट को हटाओ, ऑनली यहां पर जब नेगेटिव बनाना हो तो आप नॉट यूज करिएगा, नहीं तो आप मत करिएगा। यानी इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना होगा तो आप नॉट करिएगा, अदरवाइज इसको भी आप छोड़ दीजिएगा, ये तो यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक, डिपेंड करेगा क्या सेंटेंस पर। अब भाई ट्रांसलेशन कैसे होगा, जैसे कहा जाए कि क्या वह दौड़ सकती है, तो भाई क्या वह दौड़ सकती है, तो बिल्कुल यही यूज करिएगा नियम। कैसे यूज करोगे, सबसे पहले आप कैन यूज करोगे, और फिर सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, सी की बात कर रहा है ना, तो कैन इसमें से आप सी को टेक कर लीजिए, कैन सी रन, क्या वह दौड़ सकती है। अब फ्रेंड्स आप कोई भी ले सकते हो, जैसे क्या कि कैन ही रन, क्या वह दौड़ सकता है, कैन यू रन, क्या तुम दौड़ सकते हो, कैन दे रन, क्या वे दौड़ सकते हैं, भाई कोई भी सेंटेंस हो लास्ट में आपका सकता है, सकती है, सकते हो, और उनसे भाई एबिलिटी पावर या हैबिट्स व्यक्त हो, तो उसके लिए आप बिल्कुल यही नियम यूज करिएगा जैसे मैंने आपको बताया। और हाँ फ्रेंड्स आप करना क्या, आप QW टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन कर सकते हो, कैसे, जस्ट इसी कैन से पहले आप क्वेश्चनिंग जो वर्ड होगा उसको आप लिख लीजिएगा। अब कैसे भाई, जरा एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब भाई एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल ले लीजिए कि तुम क्या कर सकते हो, मैंने क्या बोला, तुम क्या कर सकते हो, देखो क्वेश्चनिंग वर्ड आपका बीच में आ गया ना, तो आप कैसे लिखोगे, कहोगे व्हाट, अब क्या होगा फ्रेंड्स, कैन, और सब्जेक्ट क्या है यू, तो व्हाट कैन यू, आगे वर्ब क्या है डू, तो आप इसको यहां पर लिख लीजिए, व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। तो बिल्कुल आपको कैन का यूज आ गया ना, तो कैन का आप प्रयोग करिए, और नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्या होगा, कैन के और भी डिफरेंसेस को स्पष्ट किए जाएंगे। अभी आप जनरल तरीके से समझ लो, फिर कंपटीशन लेवल पर आपको बताया जाएगा कि बेसिक यूज क्या होता है कैन का, तो आपको बिल्कुल बताया जाएगा। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़े रहिए, जितने भी आपके कंफ्यूजन्स होंगे सारे कंफ्यूजन्स इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से आपके सॉल्व किए जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा, और हाँ शेयर भी जरूर करना। ओके थैंक यू, सब्सक्राइब करें AK3 एजुकेशन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।